सच्ची दोस्ती। एक जंगल में दो लोमड़ियां रहा करती थी जो बहुत अच्छी दोस्त थी। एक दिन उनको बहुत प्यास लग रही थी, इसी कारण वो दोनों नदी के पास जा रहे थे। रास्ते में उन दोनों को एक थैली दिखाई दी। उन दोनों में से एक लोमड़ी ने उस थैली की जांग पड़ताल की, फिर उसने उसे खोल दिया। अरे वाह, मैं कितनी खुशनसीब हूँ। मैं तो प्यास मिटाने के लिए नदी किनारे जा रही थी, पर मुझे तो भूख मिटाने रास्ते में ही इतना सारा मांस मिल गया। नहीं नहीं, मैं खुशनसीब नहीं, हम खुशनसीब है बोलू। ऐसे कैसे? मांस की थैली तो मुझे दिखाई दी थी ना, तो वो मेरी हुई और इसका सारा मांस भी मेरा है। खुशनसीबी भी मेरी है, हमारी नहीं। मैं ही सिर्फ अकेली खुशनसीब हूँ। उसकी ऐसी कड़वी बातें सुनकर दूसरी लोमड़ी चुप हो जाती है। पहले जिस कार्य के लिए वो आए थे उसे पूरा करके इस मांस को खाएगा, इसी सोच से उस थैली को लोमड़ी ने अपने मुंह में रख लिया और नदी की ओर जाने लगे। इतनी ही देर में एक शेर की गुर्राने की आवाज पीछे से सुनाई दी। लोमड़ियों ने पीछे मुड़ के देखा, उतने में एक शेर वहां आ पहुंचा। अरे रे, ये मांस की सुगंध शायद शेर को पहुंच गई, इसी कारण वो यहां आया होगा और वो हमें हमारे मांस के साथ खा जाएगा। ओहो, हम नहीं, तुमने अभी तो कहा था कि वो मांस तुम्हारा है, तो शेर भी तुमको खाएगा। दूसरी लोमड़ी तुरंत अपनी जान बचाकर भाग गई। इसीलिए कहा जाता है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो हर हाल में अपनी दोस्ती निभाए। चींटी और कबूतर की कहानी। एक जंगल थी, उसमें एक नदी, नदी के किनारे एक बरगद के पेड़। उस पेड़ में एक कबूतर रहती थी। वह हर रोज सुबह जाकर जंगल में खाने के लिए घूम घूम कर कुछ खाना मिलने पर शाम को घर वापस आकर साथ में लाया हुआ खाना खाकर आराम करती थी। जैसे दिन गुजरते गुजरते गए, एक दिन उसका लाया हुआ खाना खाते हुए कबूतर को नीचे नदी में बहता हुआ चींटी एक दिखाई पड़ी। वह चींटी अपने आप को बचाने की बहुत प्रयास कर रही थी मगर सफल नहीं हो पा रही। वह देखकर कबूतर को बहुत दर्द हुआ। कैसे भी चींटी को बचाने के लिए संकल्प लिया। सोचने से एक उपाय दिमाग में आया। वह बरगद के पेड़ का एक पत्ते को ले जाके चींटी के पास रख दिया। चींटी, उस पत्ता पे जाकर आपका जान बचा लो। तुरंत चींटी उस पत्ते के ऊपर गई। पत्ता पानी पे चलते चलते नदी के किनारे पर आकर रुक जाने से चींटी किनारे पर आकर जान बचा ली। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कहा चींटी ने। और उसने कहा, आपको भी ऐसे ही सहायता करके आपका एहसान चुका लूंगी। इस बात पर कबूतर हंस पड़ी। चींटी, आप बहुत छोटी हो, आपने देखा है ना, अगर मैंने आपको बचाया नहीं होता तो आपका क्या होगा। मैं जमीन पे चल सकती, पानी में तैर सकती, हवा में उड़ सकती, आप कैसा मेरा सहायता कर सकती, कबूतर ने कहा। फिर भी जान बचाने वाला कबूतर से चींटी दोस्ती करना चाहती थी। उसी पेड़ के नीचे अपना घर भी बनाई। अचानक एक दिन तीर कमान से एक शिकारी उस जगह पर आया। वह पक्षियों के लिए चारों तरफ देख रहा था। पेड़ पर खाना खाता हुआ कबूतर को शिकारी ने देखा। उस समय चींटी भी शिकारी को देखा। दूसरे ही पल शिकारी पेड़ के पीछे छुपकर तीर को कबूतर पर निशान साधा। यह देखकर चींटी दौड़कर शिकारी के पास पहुंचकर तीर छोड़ने के समय देखकर शिकारी को काट दिया। दर्द से शिकारी माँ माँ करके चिल्लाया। तीर निशान से हट गई। शिकारी के आवाज सुनकर कबूतर वहां से उड़ गई। वह शिकारी जाने के बाद कबूतर वह पेड़ पर लौट कर आए।
चीटी, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन आपकी बात को मैंने मजाक समझा, मुझे क्षमा करो। अगर आज आप नहीं होते तो मेरे जान नहीं होती। अब से हम दोनों दोस्त बन के रहेंगे। कबूतर दोस्त बनने पर चीटी बहुत खुश हुई। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं, सच्चा दोस्त कभी किसी का सहायता की भूलती नहीं। बंदर और आम की कहानी। एक समय की बात था, एक जंगल में एक नदी था और उस नदी के किनारे बड़े से एक आम का पेड़ था और उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसको खाना ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये सोचकर उसी पेड़ को उसने उसका घर बना लिया। लेकिन कुछ दिनों से नदी के उस किनारे पर एक लोमड़ी आकर पानी पीता था और उसी पानी से अपना पेट भरता था। उस बेचारे लोमड़ी को देखकर बंदर बहुत दुखी हुआ और उसको उस लोमड़ी पर सहानुभूति लगा। एक दिन दो आम लेकर नदी के उस किनारे जहाँ लोमड़ी पानी पीता है वहाँ गया। दोस्त, तुम रोज उस पानी पीकर अपने पेट भर रहे हो, उसे देखकर मैं सह नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए आम लाया हूँ। ये आम खाओ, यह बहुत स्वादिष्ट और मीठा है और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। ऐसा कहकर बंदर ने आम लोमड़ी को दिया। मैं रोज मांस के बिना कुछ भी नहीं खा सकता, ये आम मेरा पेट कैसा भरेगा? ऐसा उस लोमड़ी ने कहा। ऐसा स्वादिष्ट और मीठा आम पूरे जंगल में नहीं मिलेगा, एक बार खाओगे तो तुम नहीं छोड़ोगे। बंदर ने लोमड़ी को जबरदस्ती खिलाया और उस लोमड़ी ने आम को खाया। खाने में तो बहुत अच्छा है, अरे बहुत स्वादिष्ट और मीठा भी है। मैं बहुत दूर से सफर करके आ रहा हूँ और बहुत थक चुका हूँ, एक और फल मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा उस लोमड़ी पूछने पर उस बंदर ने खुशी खुशी एक और आम भी उसको दे दिया। उस आम को खाने के बाद उस लोमड़ी ने, ये फल बहुत स्वादिष्ट है, ऐसे फल तुमको रोज खाने के लिए मिल रहा है, तुम बहुत भाग्यवान हो, ऐसा उस बंदर को प्रशंसा दिया। उस दिन से वो दोनों लोमड़ी और बंदर अच्छे दोस्त बन गए और लोमड़ी भी उस दिन से खाने के लिए इधर उधर जाना बंद कर दिया और उन फलों को खाना शुरू किया। अच्छे से अपना पेट भर कर खाना खाकर अपने घर जाता था, यही उसका रोज का काम भी बन गया। एक दिन उसने टोकरी भर आम लेकर एक शेर के पास गया। उस शेर ने कभी भी मांस की बजाय कुछ भी नहीं खाया, लेकिन उस लोमड़ी के बड़े चढ़ाव बातें सुनकर पहली बार बिना मांस के उस आम खाया। कितना स्वादिष्ट खाना है, ये बहुत मीठा है, ऐसे फलों को मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं खाया, इस फल को मैं पहली बार खा रहा हूँ, मुझे ही इतना मीठा लग रहा है, तो रोज वो बंदर जो ये फल खा रहा है उसका दिल कितना मीठा होगा। मैं तुम्हारा दोस्त बंदर का दिल खाना चाहता हूँ, उस दिल को लाकर मुझे तोहफा की तरह देना। ऐसा उस लोमड़ी को डराया। एक तरफ बंदर को धोखा नहीं दे सकता, दूसरी तरफ इस शेर को भी ना नहीं कह सकता, कुछ भी तय नहीं कर पाया। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। उस शेर के बातों से डरकर बंदर को धोखा देने का निर्णय लोमड़ी ले लिया और उसके पास गया। क्या हुआ दोस्त, आजकल इस तरह आना ही बंद कर दिया, क्या उस शेर ने आम को खाया, कैसा लगा उसको? ऐसा बहुत जिज्ञासा से पूछा। उसको बहुत अच्छा लगा, उस आम को खाकर वो बहुत खुश हुआ, उसने तुम्हारे भेजे हुए आम के लिए कृतज्ञता करते हुए तुमको उसके गर्भ में भोजन के लिए बुलाया, इसलिए तुम्हें लेने आया हूँ। लोमड़ी के बातों को मानकर बंदर और लोमड़ी ने शेर के पास जाने के लिए अपना सफर शुरू किया। लेकिन रास्ते में लोमड़ी ने सच बता दी कि शेर ने उस बंदर के दिल को खाने के लिए मांगा था। वो सुनते ही बंदर बहुत घबरा जाता है। एक तरफ शेर, दूसरी तरफ लोमड़ी, दोनों शिकार करके मुझे मार देंगे, ऐसा सोचकर इस समस्या से बचने की तरीका सोचता है। तुरंत ही उस बंदर ने हंसते हुए लोमड़ी को, अरे यार ये बात मुझे पहले ही बता देता, अभी देखो कितना देर हो गया। क्या हुआ, ऐसा लोमड़ी ने पूछा। वो शेर तो मेरा दिल मांग रहा है, मैं तो अपना दिल मेरा पेट पर लटकाया, अभी क्या करे, ऐसा बंदर ने कहा। ठीक है हम वापस जाकर उस दिल को लेकर आएंगे। ऐसे मुड़कर दोनों पीछे गए। बंदर का योजना काम कर रहा है सोचकर वो खुश होता है। नदी के पास आते ही बंदर एक चपक से उड़कर अपने पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। लोमड़ी को तो सब चालाक समझते हैं, लेकिन तुमको इतनी आसानी से बुद्धू बना सकता हूँ ये मैं कभी नहीं सोचा था। कोई भी अपना दिल को बाहर निकाल कर लटका सकता है क्या? ऐसे करने से कोई जिंदा रहेगा क्या? ये छोटी सी बात भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आया। जब तुम भूखे हो मैंने तुम्हें सहाय किया, लेकिन तुम तो मुझे मारना चाहा। तुम कभी भी तुम्हारा चेहरा मुझे मत दिखाओ, चले जाओ यहाँ से, ऐसे बंदर ने उसको चेतावनी दिया। इस कहानी का नीति ये है कि
चतुराई से झूठ बोलकर भी समस्या से बाहर आ सकते हैं।